मतलब मेरे घर में रह करके हैं, मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगे? और क्या करूं मैं, क्या समझूं मैं, मतलब मैं अपने घर जाऊं रह के और तुम्हें यहाँ पे राधिका के साथ अकेला छोड़ दूं? कंप्लेन करना है, जो उखाड़ना है तुम्हें उखाड़ लो। मैं नहीं उखाड़ रही समर, कुछ भी मेरे साथ चल थाने, मैं तेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको तो पता है राधिका और राधिका की मम्मी जब देखो जब मुझे टॉर्चर करती रहती है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, मेरा यहाँ पे बहुत मतलब रहना मुश्किल कर रखा है उन्होंने। और आप ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे, क्या ये मैंने कंप्लेंट पेपर रेडी करवाए हैं और ये मैं समर को देने वाली हूँ। अगर समर मेरा बच्चा नहीं रखेगा तो आप खुद बताओ, ये समर का बच्चा ये यहाँ नहीं रहेगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो हम कहाँ जाएंगे, अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? सारी जिम्मेदारी मेरी फैमिली ने तो नहीं उठाई है ना। तो मैंने ये पेपर रेडी मैं समर को दिखाने वाली हूँ ये पेपर, और देखते हैं आगे क्या होता है। समर मुझको रखता है नहीं रखता ये पेपर देख के, अगर समर ने मुझको नहीं रखा ना तो मुझे आपको तो पता है क्या करूँगी मैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत सीधा समझ रखा है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। A few moments later. हाँ गुनगुन, बोलो क्या बात? समर, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। करो, तुम्हारा तो हमेशा इम्पोर्टेंट ही बात रहता है। बोलो क्या बात? समर मुझे बात करनी है, तुम मुझे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते? तो यहाँ रह नहीं रही हो तो कहाँ रह रही हो? समर, राधिका मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या उसके बारे में? टॉर्चर करती तो अब इसमें मैं क्या करूँ भाई? समर कुछ तो करो ना, वो तुम्हारे हैंडल में है ना, मैं क्या करूँ? तुम्हारे हैंडल में नहीं है वो, उसकी मैं करूँ क्या? समर पहले मेरी बात सुनो शांति से। तुमने उसकी मम्मी को रख रखा, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, वो भी इस घर में रह रही है, मैं अब कुछ भी नहीं बोल रही, ठीक है? वो दोनों मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, एक बात बताओ। क्या टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं करते, जब देखो जब मुझे धमकी देते रहते हैं हर चीज की, खाने पीने की, बच्चे की, तुम्हारी, मैं कब तक सुनती रहूंगी समर? तो फिर मैं क्या करूं, उन लोगों को घर से बाहर निकाल दूं? तुमने ही तो रखा है समर, कम से कम समझा तो दो, मुझे धमकी तो ना देना। समझा दिया सब कुछ, कोई नहीं समझ रहा, ना तुम समझ रही हो ना वो लोग समझ रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा, कोई भी नहीं समझ रहा, तुम भी नहीं समझ रही हो, तुम कौन सा समझ रही हो? क्या समझूं मैं, मतलब मैं अपने घर जाऊं रह के और तुम्हें यहाँ पे राधिका के साथ अकेला छोड़ दूं? तो मत जाओ ना, तुम फिर यहीं रहो। तो उनको तो समझाओ समर, मुझे मुझे इतना लड़ना, 10 लोगों के साथ रहना है तो ऐसे लड़ना पड़ेगा, लड़ लड़ के रहो। तो तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले ना, तुम्हें वही लोग पसंद है ना जो तुम्हें हमेशा परेशान करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, वही लोग पसंद है ना तुमको? यार मैंने एक राधिका के मम्मी को मैं 1000 बार बोल चुका हूँ जाने के लिए, वो जाने को तैयार नहीं। समर मैं जाने के लिए, सुनो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं रहे, बट बात ये है कम से कम मुझे परेशान तो ना करे ना। तो कौन परेशान कर, मुझे वो परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। क्या परेशान? बोलती है बच्चा किसी और का लेके बैठ गई, ये हो गया वो हो गया, इतना उल्टा सीधा बोलती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? बातों को इग्नोर मारो, और कितना इग्नोर मारूंगी समर मैं? तो अब क्या करो, क्या सोचा? और ये लो क्या, ये कंप्लेंट पेपर है, ये तो दिमाग उमाग ठीक है, ये पागल हो गई हो क्या? ये मतलब मेरे घर में रह करके हैं, मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगे? और क्या करूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? शर्म आती है नहीं आती है? समर तुम हमेशा क्यों मारते रहते हो मुझे, ये बताओ। कंप्लेन तो तुम क्या, ये क्या है? ये सही है जो भी है, मैंने करवाया। कंप्लेन मेरे घर में रह के मेरे खिलाफ कंप्लेन? तो राधिका ने भी तो यही किया था ना, आज भी वो घर पे ही है तुम्हारे, उसकी मम्मी भी घर पर है। तो वो जो करेगी वही तुम भी करोगी ना, तो एक काम करो ना, लो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, लो अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुझे तुम चाहिए समर, और कोई नहीं चाहिए मुझे, इस बच्चे का बाप चाहिए मुझको, ये पैसे नहीं चाहिए मुझे, राधिका को देना जाकर। नहीं तो तुम तो कंप्लेन करने वाली थी ना, कंप्लेन करो ना, कंप्लेन करने वाली हो ना, कंप्लेन पेपर लेकर के बैठी हो ना। तुम उसको यहाँ से भेज दो, या तो मुझे वो टॉर्चर करना बंद कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ समर, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं। क्या परेशान हो? बहुत ज्यादा परेशान। क्या परेशान हो? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या परेशान हो? नहीं क्या परेशान हो ये बताओ? मतलब वो सब कुछ करती रहे मेरे साथ, तुमको एक्सेप्ट है ना, मैंने इतना ऐसा कर दिया तुमको प्रॉब्लम हो गई? नहीं तो मैं क्या करूं, बीच में कूद के क्या उसको क्या भगा दूं घर से? उसको बोलता हूं तो बोलती है तुम्हें भगाने के लिए, किसको भगाऊं यहां से? तो वो क्यों कर, ऐसा बताओ पहले भाई। देखो मैं हाथ जब देखो जब कभी कुछ बनवाती है कोर्ट से जाके, कभी कुछ बनवाती है, बोलती है मैं हूँ मैं रहूंगी यहाँ पर, ये क्या है समर, एक बात बताओ। तो तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन करने का सोच भी कैसे ली, ये बताओ ना पहले। कंप्लेन करी नहीं है मैंने। हाँ तो तैयार तो कर लिया ना, तो तुमने तैयार कर लिया तो ना। तुम्हें तो राधिका पसंद है, मैंने सोचा मैं भी कर दूं। अच्छा तो अब यही चीज बचा है, ठीक है। कंप्लेन करना है, जो उखाड़ना है तुम्हें उखाड़ लो। मैं नहीं उखाड़ रही समर, कुछ भी नहीं उखाड़ रही, मुझे तुम चाहिए, मुझे और किसी चाहिए नहीं, अब नहीं, जो करना कर लो,
जाओ समर, सुन तो लो पहले मेरी बात। तुम अब कंप्लेन करो कोर्ट से लेना। रो क्यों रही है? बता रो क्यों रही है? भैया कुछ नहीं। क्या फिर पिटी है क्या तू? हैं? बता ना। भैया कुछ नहीं। तुम्हारा है क्या तुझे समर ने? तो ये कंप्लेन लेके तो तू उससे पूछना आई है कि मैं वो ये कर रही हूं, मैं मुझे वो कंप्लेन कर नहीं करवानी। आपको पता है ना मैं नहीं करवाना चाहती। तो तू भाई नहीं करवाना चाहती, ऐसी पिटेगी? ऐसी पिटना है तो फिर पिटती रहे, उससे क्या? फिर उस राधिका से भी पिट, उसकी माँ से भी सब कुछ मैंने राधिका के मारे करा। आपको भी पता है मैं समर के लिए क्यों कंप्लेन करवाऊंगी सब कुछ। एक सुन, जब वो तेरा ही नहीं समझ के दे रहा, वो तेरे अकॉर्डिंग। और आपने देखा, आपको पता है पिछली बार वो नोटिस वोटिस लेकर आई थी, इतने ड्रामे करती कि तू यहाँ से रहेगी, ये वो इतना लड़के गई है। भैया बताओ तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं चुप रहूँ और कितना चुप बैठू? भैया इतना चुप बैठ के तो ये सब कुछ हो गया। तो तू एक काम करना, एक काम के हिसाब से करके चल तू। अगर वो नहीं मान रहा है या वो राधिका भी नहीं मान रही कि ऐसा नहीं है, ये कंप्लेन ऐसी है, चल मेरे साथ चल थाने, मैं तेरी कंप्लेन रजिस्टर करवा रहा हूँ अभी, एकदम न्यू की न्यू, जो कि तुरंत कार्रवाई होगी, ठीक है? नहीं भैया, वही पुलिस वाला होगा कि कहते क्या नाम है जो राधिका लेकर आई थी यहाँ पर, ठीक है, उसी से कंप्लेन रजिस्टर करवाऊंगा। और वो वैसे भी जानकारी का, चल तू चलना मेरे नहीं साथ भैया। अरे तो फिर तू वैसे पिटती रहेगी, ये भी तो सोच तू। मैंने सब राधिका के मारे किया था, बट मुझको नहीं पता था समय ऐसे करेगा मेरे साथ। तो भाई इन चीजों से कुछ नहीं हो रहा, तू चला, मैं तेरी कंप्लेन। छोड़ो मुझे नहीं करवानी।